बात करते हैं हम आज की क्लास में इलेक्ट्रिक हीटिंग की। ये हमारी यूटिलाइजेशन इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर, आपकी इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर। आपकी इलेक्ट्रिकल की थर्ड ईयर की सब्जेक्ट है ये यूटी, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो आज बात करते हैं लेक्चर टू की, जिसमें हम बात कर रहे थे। हमने लेक्चर नंबर वन में आपको बताया कि इंट्रोडक्शन बताया था, बेसिक इलेक्ट्रिक हीटिंग की डेफिनेशन बताई थी, एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग ओवर द अदर हीटिंग की अपेक्षा हमने एडवांटेज बताए हुए थे, और हमने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग की बात की थी। तो जिसमें हमने बताया था आपको कि जो आप पावर फ्रिक्वेंसी हीटिंग होती है और एक हाई फ्रिक्वेंसी हीटिंग होती है। तो पावर फ्रिक्वेंसी हीटिंग के अंदर हमने बात की थी तीन हीटिंग की। फर्स्ट होती है आपकी रेजिस्टेंस हीटिंग, सेकंड थी आपकी आर्क हीटिंग, थर्ड थी आपकी इलेक्ट्रॉन बम्बरमेंट। ठीक है, तो बात करते हैं आज के लेक्चर में हम रेजिस्टेंस हीटिंग की। तो देखो, रेजिस्टेंस हीटिंग एक्चुअल होती क्या है, आप नाम से ही आप खुद पहचान सकते हो। रेजिस्टेंस हीटिंग मतलब रेजिस्टेंस के द्वारा ऊष्मा उत्पन्न हो रही हो, तो उस चीज़ को ही हम रेजिस्टेंस हीटिंग कहेंगे। तो हम एक टेक्निकल लैंग्वेज में हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि जब इलेक्ट्रिक करंट को किसी प्रतिरोधक पदार्थ में से फ्लो कराते हैं तो हम हीट उत्पन्न होती है। किसके कारण होती है? प्रतिरोधक पदार्थ के कारण होती है। और क्यों होती है? क्योंकि हमने उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराया। तो इस मेथड को ही हम कहेंगे रेजिस्टेंस हीटिंग, क्योंकि हमारी प्रतिरोधक पदार्थ के कारण ही हमारे क्या है, हीट उत्पन्न हुई है। क्या हुई है? हीट उत्पन्न हुई है, इसलिए हम इसको रेजिस्टेंस हीटिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? हम रेजिस्टेंस हीटिंग कहेंगे। क्यों कहेंगे ये भी मैंने आपको बताया, क्योंकि जब हमने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया तो किस में से कराया था? हमने प्रतिरोधक पदार्थ में से। तो प्रतिरोधक पदार्थ में से जब हमने करंट फ्लो कराया तो एक ऊष्मा उत्पन्न हुई, एक हीट जनरेट हुई, तो एक हीट प्रोड्यूस हुई। तो उस हीट को ही हम क्या, उस इस को ही हम रेजिस्टेंस हीटिंग कहेंगे, क्योंकि प्रतिरोधक पदार्थ के कारण उत्पन्न हुई है। तो ये तो बात हुई हमारी रेजिस्टेंस हीटिंग की। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस हीटिंग की। किसकी? टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस हीटिंग। ठीक, तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस हीटिंग की। तो रेजिस्टेंस हीटिंग जो होता है वो दो टाइप का होता है। ठीक है, एक तो होता है आपका डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, सेकंड जो आपका होता है वो होता है इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस हीटिंग ये हमारा टू टाइप्स का होता है, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग और इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। तो बात करेंगे हम डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग की, है ना। तो डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग की बात करते हैं हम डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग की। तो देखो, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग जो आपका होता है उसमें क्या होता है कि हम डायरेक्टली क्या करते हैं, हम डायरेक्टली इसमें हम करंट फ्लो कराते हैं। ठीक है, डायरेक्टली करंट फ्लो कराते हैं, तो जिस वस्तु में हम डायरेक्टली करंट फ्लो कराएंगे तो उसमें जो प्रतिरोध है, तो जो प्रतिरोध में होने वाली जो ऊष्मा है वो चेंज हो जाती है प्रतिरोध ऊष्मा हानि में। ठीक है, किसमें चेंज हो जाती है? प्रतिरोध ऊष्मा हानि में। तो जो हमारे लिए क्या करता है प्रतिरोध ऊष्मा हानि, क्या करता है हमारा, कि यह ऊष्मा वस्तु को गर्म कर देती है। ये ऊष्मा क्या करती है? हमें वस्तु को गर्म कर देती है। और डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का ओनली यूज किसके लिए किया जाता है? पानी गर्म करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का यूज किस लिए किया करते हैं? हम पानी गर्म करने के लिए करते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग के अंदर जो फर्नेस यूज की जाती है वो फर्नेस टू टाइप्स की होती है। ठीक है, फर्नेस टू टाइप्स की होती है। एक तो होती है सेल्ट बाथ फर्नेस और एक होती है तुम्हारी बॉयलर फर्नेस। ठीक है, तो हम बात करेंगे सेल्ट बाथ फर्नेस की। उससे पहले मैं आपको डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग की डेफिनेशन को लिखा देता हूँ। तो देखो, बात करते हैं, अभी मैंने आपको बताया डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग को समझाया था, तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि ये डेफिनेशन आप प्रॉपरली एग्जाम में कैसे लिखोगे।
तो इस मेथड के अंदर, मतलब किस मेथड के अंदर, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड में गर्म की जाने वाली वस्तु जो होती है उसके अंदर से क्या है, हम डायरेक्टली करंट को फ्लो कराएंगे। क्या करेंगे? करंट को हम डायरेक्टली फ्लो कराएंगे। तो वस्तु का जो प्रतिरोध होता है, वस्तु के जो प्रतिरोध में होने वाली जो ऊष्मा है, मतलब ये जब सिंपल सी बात यह है, जब किसी में से करंट फ्लो कराते हैं तो प्रतिरोध में, प्रतिरोध क्या करेगा, उसको रोकेगा, रोकेगा तो उसको क्या है, ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो ऊष्मा जो उत्पन्न होती है वो किस में चेंज हो जाती है, प्रतिरोध ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, प्रतिरोध आर में जो उत्पन्न ऊष्मा होती है, होने वाली जो ऊष्मा होती है वो प्रतिरोध ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है, तथा यह ऊष्मा वस्तु को गर्म करती है। ठीक है, जो ये प्रतिरोध ऊष्मा होती है जो परिवर्तित हो रही है, वही हमें, हमारी वस्तु को क्या करेगी, गर्म करेगी। अभी मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग जो होता है वो क्या करता है, पानी गर्म करने के लिए यह मेथड सर्वप्रथम है, मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, और दूसरी क्या होती है कि पानी गर्म करने के लिए जो फर्नेस यूज की जाती है, जो फर्नेस भट्टियाँ यूज की जाती हैं, ठीक है, वो कौन सी भट्टी होती है, सेल्ट बाथ फर्नेस होता है, और एक होता है तुम्हारा इलेक्ट्रोड बॉयलर फर्नेस। ठीक है, एक होती है इलेक्ट्रोड फर्नेस बॉयलर। तो आपका जो सेल्ट बाथ फर्नेस होती है, ठीक है, तो सेल्ट बाथ फर्नेस के अंदर ही आप क्या, एक इलेक्ट्रो बॉयलर भी बना रहता है। तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग को हम के लिए जो फर्नेस यूज होती है वो कौन सी होती है, सेल्ट बाथ फर्नेस होती है। ठीक है, जिसके अंदर ही हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रो बॉयलर हमारा यूज होता है, जिसके अंदर क्या है, एक घोल भरा रहता है, नमक का घोल होता है, उसमें हमारे इलेक्ट्रोड डूबे हुए रहते हैं। तो ये हम इसको हम डिटेल में समझाएंगे आपको। तो नेक्स्ट हम कर आपको पढ़ाए हैं सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ सेल्ट बाथ फर्नेस। क्या पढ़ेंगे, सिंप्लीफाइड सेल्ट बाथ फर्नेस को हम डायग्राम के द्वारा इसको फुल डिटेल में समझाएंगे कि डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग जो है वो आपकी किस तरीके से प्रॉपर वर्क होती है। देखो, बात करते हैं हम क्या डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग के अंदर जो हम फर्नेस यूज कर रहे हैं वो थी सेल्ट बाथ फर्नेस और इलेक्ट्रोड बॉयलर। तो देखो, सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ सेल्ट बाथ फर्नेस, मैंने एक सेल्ट बाथ फर्नेस का एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, तो पहले मैं आपको जनरली या बेसिकली मैं तुम्हें डायग्राम के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि ये एक हमारा प्री टैप चेंजर लगा हुआ है। ठीक है, जे ये हमारी प्राइमरी साइड 3 फेज 400 वोल्ट दी जा रही है। सेकेंडरी साइड में हमारी 1 फेज 5/25 वोल्ट हमारी निकल रही है आउटपुट में। हमने क्या है, ये हमारी लो वोल्टेज बस बार है। ठीक है, अंदर ये हमारा क्या है, ये एक हमारा पोर्ट है। ठीक है, ये गोला जो है हमारा, ये क्या है, हमारा पोर्ट है, जिसमें हमारा क्या है, सेल्ट बाथ मतलब लवण घोल हमारा इसमें भरा हुआ रहता है, मतलब नमक का घोल इसमें भरा हुआ रहता है, जिसके अंदर ये हमारे दोनों जो इलेक्ट्रोड लिखे हुए हैं, ये दोनों इलेक्ट्रोड हमारे इसमें के अंदर डूबे हुए रहते हैं। ठीक है, देन इसके बाद क्या है, ये हमने जो लाइनिंग कर रखी है, ये लाइनिंग हमारी होती है हीट इंसुलेशन, हीट इंसुलेटर, मतलब हीट हमारी बाहर ना जा सके। ठीक है, तो इसके लिए हमारी ये रिफ्लेक्टरी की कोटिंग की जाती है, रिफ्लेक्टरी की परत चढ़ा दी जाती है अंदर साइड पे। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ सेल्ट बाथ फर्नेस। ठीक है, तो बात करते हैं अब हम कि जो सेल्ट बाथ फर्नेस है उसका जो प्रयोग है वो हम कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो सेल्ट बाथ का जो फर्नेस का जो यूज करते हैं हम किसके लिए करते हैं, कार्बनीकरण के लिए, किसके लिए, कार्बनीकरण के लिए, पायनीकरण के लिए, मंजशीलता के लिए, इस्पाती औजारों के मृदकरण तथा कठोर करण के लिए। मतलब ये है कि सेल्ट बाथ फर्नेस का यूज हम किसके लिए करते हैं, कार्बनीकरण, पायसीकरण, मंजशीलता, इस्पाती औजारों के मृद तथा कठोरीकरण के लिए हम सेल्ट बाथ फर्नेस का यूज करते हैं। बेसिकली जो हमारे क्या है, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग की जो सेल्ट बाथ फर्नेस होती है उसमें क्या होता है, एक बर्तन होता है जिसमें क्या है, नमक का घोल लेते हैं, नमक का घोल भर लेते हैं हम। क्या होता है, एक बर्तन होता है जिसके अंदर क्या है, नमक का घोल भर लेते हैं। इसमें हमारे दो इलेक्ट्रोड जो मैंने वहाँ दर्शाए हुए हैं, दो इलेक्ट्रोड डूबे हुए रहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड डूबे होते हुए हैं तो उन इलेक्ट्रोडों को हमें एसी सप्लाई से
कनेक्टेड करते हैं, उनको हम सप्लाई से कनेक्टेड करते हैं। और सप्लाई कौन सी लेते हैं, हम एसी सप्लाई से कनेक्टेड करते हैं। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, एसी सप्लाई से कनेक्टेड करते हैं, तो जो सेल वाट है हमारा, नमक का जो घोल है हमारा, जो नमक का घोल है वो हमारा क्या है, गर्म हो जाता है। तो गर्म हो जाता है तो इसके अंदर जो पदार्थ हमें गर्म करना है उसको भी हम क्या है, सेल वाट के अंदर डुबो देते हैं, लेकिन वो हमारे इलेक्ट्रॉनों से टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उनको क्या है, हम जिसे डूबा हुआ पदार्थ समान रूप से गर्म हो जाता है। भाई सिंपल सी बात यह है कि जब कोई भी गर्म मतलब लिक्विड हमारा नमक, तो उसके अंदर लवण और कर दिया जाए, तो उसके अंदर अगर हम हीट प्रोड्यूस करें, उसको गर्म करें, तो वो घोल हमारा मतलब एक लिक्विड पूरा समान रूप से गर्म होता है। तो इसलिए हमारा क्या है, जो भी वस्तु हमें गर्म करनी होती है वो हमारी समान रूप से गर्म होती है, ठीक है। बात करते हैं कि हमने यहाँ एसी सप्लाई ही क्यों दी इलेक्ट्रोडों को, ठीक है। तो सप्लाई के लिए हम केवल एसी का यूज करते हैं क्योंकि अपघटन ना होने पाए, क्योंकि जो हमारा घोल है वो कैसा है, लवणीय है, और लवणीय के अंदर तुम्हें पता है केमिस्ट्री पढ़ी होगी आपने, तो आपने रासायनिक अपघटन और अपचयन क्रिया पढ़ी होंगी, तो उस जगह पे हमारा क्या है, अपघटनीय क्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए हमें एसी सप्लाई का यूज करते हैं। बात करते हैं हम, तो हमने जो अभी तक पढ़ा था, तो जो डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग सिंप्लीफाइड डायग्राम सेल्ट बाथ फर्नेस है, तो उसके जो हमने क्या है, सारी चीज़ें जो एसी सप्लाई का यूज़ किया, एसी सप्लाई का यूज़ क्यों किया, अपघटन के लिए। अब बात करते हैं कि जो सेल्ट बाथ फर्नेस है, तो डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग के अंदर उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो लिया जाता है वो कितने एम्पियर तक का लिया जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो कराया जाता है वो 3000 एम्पियर तक का फ्लो कराया जाता है, और जो इसकी वोल्टेज, जो वोल्टेज रखी जाती है, इसकी जो वोल्टेज का मान होता है, वो वोल्टेज का मान होता है 2 वोल्ट टू 20 वोल्ट तक, ठीक है, 20 वोल्ट तक। और सेल्ट वाट फर्नेस के अंदर जो तापमान की जो रेंज होती है, तापमान परास जो होती है, टेम्परेचर रेंज होती है, वो 1000 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। कितनी होती है, 1000 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए। अब क्या होता है कि 1000 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, तो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए या 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए अब हमारी जो फर्नेस है वो किसकी बनी होती है, माइल्ड स्टील की बनी होती है, ठीक है भाई। उसको 1000 या 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को सहन करने के लिए फर्नेस की बॉडी भी तो हम किसी की बनाएंगे, तो बॉडी हम जो हमने बनाई वो बनाई माइल्ड स्टील की। ऐसे ही हम इलेक्ट्रोड, भाई इलेक्ट्रोड भी उस टेम्परेचर को गहन करेंगे, सहन करेंगे, तो उसके लिए भी हमने क्या है, इलेक्ट्रोड को भी माइल्ड स्टील से बनाया। तो हमारी फर्नेस और इलेक्ट्रोड दोनों ही हमारे क्या है, माइल्ड स्टील के बने होते हैं। अब क्या होता है कि सेल्ट बाथ के अंदर क्या होता है, जो हाई टेम्परेचर के लिए क्या करते हैं हम, के उसके इंटरनल पार्ट्स पर, उसके इंटरनल पार्ट्स पर, जैसे कि ये इंटरनल पार्ट्स पर हमने क्या किया, ये इंटरनल पार्ट्स पर अपन क्या करते हैं, रिफ्रेक्टरी पदार्थ की लाइंस बना दी जाती है। किसकी, रिफ्रेक्टरी पदार्थ की लाइंस बना दी जाती हैं, ठीक है, जिससे क्या है हमारा हाई टेम्परेचर हमारा रुक जाता है, ठीक है, और हाई टेम्परेचर हमारा और ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। तो बात करते हैं कि जब हमारा क्या कहते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है हमारा, मतलब ये है कि जब सेल्ट बाथ का जो टेम्परेचर है वो हमारा इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज होने पर क्या होता है, सेल्ट बाथ का जो रेजिस्टेंस होता है, सेल्ट वाट का जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, डाउन हो जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे ही हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हमारा रेजिस्टेंस कैसा होता है, डाउन हो जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ठीक है। तो मतलब जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस अपना डाउन हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, लेकिन ये डाउन कब होगा, सेल्ट वाट की कंडीशन में, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रोड को हम एक निश्चित मान की वोल्टेज देते हैं, एक फिक्स वैल्यू की वोल्टेज देते हैं, तो जो हमारा करंट है वो तेजी से बढ़ने लगता है, ठीक है, वो क्या है हमारा, तेजी से बढ़ने लगता है। तो जब हम एक निश्चित मान की वोल्टेज हमने दी सेल्ट वाट को, तो हमारा करंट क्या है, तेजी से बढ़ने लगा, जिसके लिए हमने क्या है, एक प्री टैप चेंजर की व्यवस्था की हुई है, जो हमारी क्या है, धारा को सीमित करता है, जो हमारी धारा को क्या है, सीमित करता है, मतलब हमारी धारा को कंट्रोल करता है, हमारी सीमित बनाए, लिमिट बनाए रखता है। और अगर प्री टैप चेंजर की जगह पे हम क्या कर सकते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनों की दूरी और गहराई को भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जिस जो हमारा प्री टैप चेंजर का ही काम करता है, ठीक है, जो हमारा किसका काम करता है, प्री टैप चेंजर का ही काम करता है। इस प्रकार हमारा क्या है, ये डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग
कंप्लीट हुआ। तो डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग के हमने क्या उपयोग पढ़े कि ये हमारा उपयोग किस किस के लिए होता है, कार्बनीकरण के लिए, पायसीकरण के लिए, निमंजनशीलता के लिए, ठीक है, तो उनके कठोरीकरण तथा मृदुकरण के लिए, हस्त औजारों के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए हम क्या है सेल्टवाद फर्नेस का यूज करते हैं। अब सेल्टवाद फर्नेस को भी हमने आपको बता दिया था कि ये एक नमक का घोल, इसके अंदर क्या होता है, एक बर्तन में नमक का घोल होता है जिसके अंदर क्या है इलेक्ट्रोड होते हैं, डूबे हुए होते हैं। अब क्या करते हैं उसको एसी सप्लाई से, इलेक्ट्रोडों को एसी सप्लाई से हम कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे ही हम एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो हमारे क्या है जो नमक का घोल होता है उसमें करंट फ्लो होने लग जाता है, इलेक्ट्रोडों में करंट फ्लो होने लग जाता है, तो हमें उसमें एक हीट उत्पन्न हो जाती है। जो हीट उत्पन्न होती है वो एक समान रूप से उत्पन्न होती है घोल के अंदर, ठीक है। तो जो वस्तु हमें गर्म करनी होती है वो उस वस्तु को हम घोल के अंदर ही डुबाए हुए रखते हैं, तो वो हमारी एक समान रूप से ही गर्म होती है। अब हमने कहा था कि एसी सप्लाई से ही कनेक्ट क्यों किया था, क्योंकि एसी सप्लाई से कनेक्ट करने से ये है कि हम अपघटन की क्रिया से हम सेल्टवाद को बचा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट इसकी जो रेंज होती है वो 3000 एम्पीयर तक की होती है, वोल्टेज की जो रेंज होती है वो 2 वोल्ट 20 वोल्ट होती है, टेम्परेचर रेंज इसकी 1000 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, और जो फर्नेस और हमारी क्या है इलेक्ट्रोड जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, माइल्ड स्टील के बने होते हैं, ठीक है। हाई टेम्परेचर के इंटरनल पार्ट्स पे हम क्या करते हैं एक रिफ्रेक्टरी की पदार्थ की लाइन बना देते हैं, मटेरियल होता है हमारा रिफ्रेक्टरी पदार्थ जिसकी क्या कर देते हैं हम लाइंस बना देते हैं, लाइंस बना देते हैं तो हमारा हाई टेम्परेचर का इंक्रीज हो जाता है। तो हमारा क्या होता है कि जैसे ही हमारा सेल्टवाद के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस अपना डाउन हो जाता है, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि जैसे ही हम सेल्टवाद की एक निश्चित मान की वोल्टेज हम जब देते हैं तो करंट हमारा तेज़ी से बढ़ने लग जाता है, जिसके लिए हम प्री टेम्परेचर का यूज करते हैं। या हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे ये इलेक्ट्रोड होते हैं उनकी दूरियों को या दूरियों को मतलब इलेक्ट्रोड की दूरियों को दूरी बना के या उनकी गहराई बना के इन सब का अगर एडजस्टमेंट कर दें तो वो हमारा एक प्री टैप चेंजर का ही कार्य करेगा। तो इस प्रकार हमारा क्या है डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग कंप्लीट हुआ। आगे हम पढ़ते हैं इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, बात करते हैं हम आगे इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। देखो बात करते हैं हम इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग की। तो देखो इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग होता क्या है कि इस मेथड के अंदर क्या करते हैं हम इस मेथड के अंदर क्या करते हैं कि एक हाई रेजिस्टिविटी हीटिंग एलिमेंट लेते हैं। क्या लेते हैं एक हाई रेजिस्टिविटी हीटिंग एलिमेंट लेते हैं, एक हाई रेजिस्टिविटी वाला एक एलिमेंट लेते हैं जिसमें से हम इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कराते हैं, जिसमें से हम क्या करते हैं एक इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट को हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल में से फ्लो कराते हैं तो हमारी क्या है हीट जनरेट होती है, क्या होती है ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, हमारी ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। तो हमारी जो ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है तो उसको हम क्या करते हैं उस ऊष्मा को हम डायरेक्टली उस वस्तु को नहीं देते हैं, मतलब जिस वस्तु को गर्म करना होता है तो उस वस्तु को हम डायरेक्टली नहीं दे देते। जबकि डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में क्या करते थे हम क्या किसी पदार्थ में क्या करते थे प्रतिरोध में से क्या करंट फ्लो कराते थे तो हमारी क्या ऊष्मा उत्पन्न होती थी और बस तुम्हारी गर्म हो जाती है। लेकिन इसमें क्या करते हैं कि हाई रेजिस्टिविटी हीटिंग एलिमेंट में से करंट फ्लो कराते हैं तो हमारी ऊष्मा उत्पन्न होती है, लेकिन ऊष्मा को हम डायरेक्टली ना देके हम क्या किस विधि से देते हैं, या तो कंडक्शन विधि से देते हैं या रेडिएशन विधि से देते हैं या कन्वेक्शन विधि द्वारा हम वस्तु को प्रोवाइड कराते हैं उस ऊष्मा को। तो इस माध्यम से जब हम कंडक्शन या रेडिएशन या कन्वेक्शन मतलब इसमें हमें किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ रही है तो उस मेथड को हम क्या कहेंगे इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग कहेंगे, ठीक है रेजिस्टेंस हीटिंग कहेंगे। क्यों कहेंगे क्योंकि हमें किसी और माध्यम की आवश्यकता पड़ रही है इसलिए हमें इनडायरेक्ट हमने इसका नाम दिया। तो बात करते हैं कि जो हमारी इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का जो यूज ही किया जाता है प्रयोग किया जाता है क्या किया जाता है उपयोग किया जाता है तो वो उपयोग किस किस में किया जाता है जैसे कि इमर्शन हीटर होता है आपका, ठीक है इमर्शन हीटर होता है तो वो हमारा क्या है एक इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का ही एग्जाम्पल है। रेजिस्टेंस ओवंस हुआ तुम्हारा, ठीक है हीट ट्रीटमेंट ऑफ मॉटल्स हुआ, डोमेस्टिक कुकिंग हुआ, तो ये क्या है हमारे इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में आते हैं। तो जो क्या है हमारे या तो जो हमें ऊष्मा प्रदान करते हैं या तो कंडक्शन विधि द्वारा करते हैं या रेडिएशन विधि द्वारा करते हैं या कन्वेक्शन द्वारा करते हैं। तो बात पढ़ेंगे आगे हम टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। तो बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस फर्नेस की, मतलब ये है कि
इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग के अंदर जो फर्नेस यूज की जाती है वो कितने टाइप की होती है, ठीक है। तो जो टाइप इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस जो फर्नेस होती है वो थ्री टाइप्स की होती है, कितनी होती है, थ्री टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग या फर्नेस। तो हम कह सकते हैं कि कौन कौन सी होती हैं, वो नंबर एक होती है तुम्हारी ओपन चैम्बर टाइप फर्नेस, सेकंड होती है आपकी कन्वेक्शन टाइप फर्नेस, थर्ड आपकी होती है इमर्ज्ड एलिमेंट टाइप फर्नेस। कौन कौन सी होती हैं, ओपन चैम्बर टाइप फर्नेस, कन्वेक्शन टाइप फर्नेस और इमर्ज्ड एलिमेंट टाइप फर्नेस। तो हम इनको डीपली पढ़ेंगे, तो बात करते हैं हम ओपन चैम्बर टाइप फर्नेस की, तो जिसको हम डायग्राम के अकॉर्डिंग या पूरी डीप में पढ़ेंगे। देखो बात करते हैं, अभी हमने इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग की बात की, जिसके अंदर हमारी जो फर्नेस होती है वो थ्री टाइप की बताई हुई थी। तो बात करते हैं ओपन चैम्बर टाइप फर्नेस की, किसकी, ओपन चैम्बर टाइप फर्नेस की। तो ओपन चैम्बर टाइप फर्नेस के अंदर क्या होता है बेटा, सिंपल से मैं आपको पहले जनरली समझा देता हूँ, कुछ नहीं होता इसके अंदर। क्या हम एक टंगस्टन धातु के तंतु लेते हैं, हम क्या कहते हैं लैंप लेते हैं टंगस्टन धातु के, ठीक है। तो टंगस्टन धातु के लैंपों को हम क्या कहते हैं, चारों तरफ लगा देते हैं, चारों तरफ लगा देते हैं, तो जो वस्तु में गर्म करनी होती है तो उन लैंपों के नीचे होके निकाल दी जाती है, मतलब लैंपों के बीच में होके निकाल दी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो लैंपों का चारों लगा के हम एक क्या है सुरंग सी बना लेते हैं, तो सुरंग सी बना लेते हैं, तो उसके अंदर क्या है, हम जो भी वस्तु हमें गर्म करनी होती है एक तरफ से डालते हैं और दूसरी तरफ से निकाल लेते हैं। तो इस टाइप से बात करते हैं हम डिटेल में कि ओपन चैम्बर टाइप फर्नेस क्या है। तो ओपन चैम्बर टाइप जैसे कि पदार्थ, इसके अंदर क्या होता है, इस ओपन चैम्बर टाइप फर्नेस के अंदर जो भी हीट होती है उसको हम रेडिएशन विधि द्वारा प्रोवाइड करते हैं वस्तु को, क्या करते हैं ओपन चैम्बर टाइप फर्नेस के अंदर क्या करते हैं, ऊष्मा को पदार्थ का जो ऊष्मा होती है पदार्थ तक के जो ऊष्मा पहुंचाई जानी है हमें, वो हम किस विधि से पहुंचाते हैं, रेडिएशन विधि से पहुंचाते हैं। बात करते हैं अब कि गर्म की जाने वाले, गर्म करने के लिए हम क्या है लैंपों का यूज करते हैं इसके अंदर, किसके टंगस्टन तंतु के लैंप होने चाहिए, किसके टंगस्टन तंतु के लैंप होने चाहिए। अब इन लैंपों के पीछे क्या है, हम रिफ्लेक्टर लगा देते हैं जिससे कि रोशनी पीछे ना जाके आगे ही रोशनी आए। तो हम किसका यूज़ करते हैं रोशनी रोकने के लिए, हीट रोकने के लिए, रिफ्लेक्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस फर्नेस में जो क्या करते हैं हम कि इनके जो रिफ्लेक्ट लैंप होते हैं उनको हम चारों तरफ लगाते हैं। तो चारों तरफ लगाते हैं तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस फर्नेस में एक सुरंग बनाई जाती है, जो लैंप की एक सुरंग बनाई जाती है जो क्या है कंटिन्यूस फ्लो फर्नेस हो सके। तो कंटिन्यूस फ्लो फर्नेस का मतलब होता है कि एक तरफ से हम किसी चीज़ को अंदर इन करा रहे हैं और दूसरी तरफ से आउट करा रहे हैं, तो मतलब इस इन आउट को ही हम बोलते हैं कंटिन्यूस फ्लो फर्नेस। मतलब किसी भट्टी के अंदर हम किसी चीज़ को डाल रहे हैं और उसका कंटिन्यू मतलब कंटिन्यूस चलता जा रहा है वो, मतलब रिटर्न ना लौटना, ठीक है। तो यह वही हुआ कि एक तरफ से हमने इन कराया दूसरी तरफ से हमने आउट किया, ठीक है। तो बात करते हैं कि अब क्या है दीवारों पर जो हम क्या करते हैं एल्युमिनियम के लेयर चढ़ा देते हैं, तो जो सुरंग बनाते हैं तो उसके हम क्या है दीवारों पर एल्युमिनियम की परत चढ़ा देते हैं। और परत क्यों चढ़ाते हैं, क्योंकि दीवारों का जो अवशोषण गुणांक होता है, दीवारों का जो एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट होता है वो पदार्थ की सतह से कम हो, ठीक है, पदार्थ की सतह से कम हो, अर्थात हम कहते हैं कि जो दीवारों का अवशोषण गुणांक है वो पदार्थ की सतह से कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात करते हैं जैसे कि डायग्राम से मैं तुम्हें बेसिकली समझाऊं, ये हमारी क्या है एक सुरंग बनाई हमने, क्या बनाई सुरंग बनाई, ठीक है, ये हमारी एक सुरंग सी हुई। इसके अंदर क्या है, इसके पूरे चारों तरफ, इसके चारों तरफ यहां लैंप लगे होंगे ऊपर नीचे ये लैंप। तो कोई भी वस्तु जो हमें गर्म करानी है वो यहां से इन करेंगे हम, ठीक है, और यहां से आउट करेंगे, क्या करेंगे वस्तु को इन करेंगे, इंटर, प्रवेश वस्तु, और यहां से क्या है निकासी करेंगे, ठीक है, एग्जिस्ट करेंगे। ये हमारी क्या हुई एक सुरंग हुई, इसके अंदर जो ये क्या है लैंप लगे हुए हैं, ठीक है, जो इस पर ये अंदर इसके जो एल्युमिनियम की परत चढ़ी हुई है, किसकी एल्युमिनियम लेयर, ठीक है,
लेयर क्यों चढ़ी हुई है? अवशोषण गुणांक कम करने के लिए, दीवारों का अवशोषण गुणांक कम करने के लिए। अब बात करें कि ओपन चैम्बर टाइप फर्नेस का जो यूज है वो किसके लिए किया जाता है, तो इसका जो यूज किया जाता है वो सतह के लिए किया जाता है, मतलब जहाँ सतह की बात हो रही है, जिसका सरफेस अधिक हो, मतलब जिसकी सतह अधिक हो, उस जगह पे हम ओपन चैम्बर टाइप फर्नेस का यूज करेंगे। जैसे कागज गर्म करने के लिए है ना, धातु की चादरों को गर्म करने के लिए, कपड़े को गर्म करने के लिए, तो इन सब चीज़ों को गर्म करने के लिए हम ओपन चैम्बर टाइप फर्नेस का यूज करेंगे। तो ये हमारे इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग फर्नेस का फर्स्ट फर्नेस हुआ कि ओपन चैम्बर टाइप फर्नेस क्या होती है, ठीक है, जिसमें हम रेडिएशन मेथड द्वारा ही हीट को ट्रांसफर करते हैं वस्तु तक। अब बात करेंगे हम कन्वेक्शन टाइप फर्नेस की, किसकी बात करेंगे, कन्वेक्शन टाइप फर्नेस की। देखो बात करते हैं कन्वेक्शन टाइप फर्नेस की, ठीक है। तो कन्वेक्शन टाइप फर्नेस जो होती है वो मतलब कन्वेक्शन टाइप फर्नेस का यूज ओनली रिफ्लेक्ट, जहाँ जिन वस्तुओं की रिफ्लेक्टिंग पावर अधिक होती है, जिन वस्तुओं की रिफ्लेक्टिंग पावर अधिक होती है उनके लिए ही, उन वस्तुओं को गर्म करने के लिए कन्वेक्शन टाइप फर्नेस का यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि एक अच्छे ऊष्मा संचारण के लिए, एक अच्छे ऊष्मा संचारण के लिए गैस या वायु को, इसमें क्या करते हैं हम कि किसी अच्छे ऊष्मा संचारण के लिए हम गैस या वायु को गर्म करके, पहले हम क्या करते हैं किसी गैस को या वायु को, एयर को गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद हम क्या करेंगे उसको प्रेशर से जिस वस्तु को गर्म करना है उस पर फ्लो कराएंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे कि ये कोई हमारी वस्तु हुई, ठीक है, ये हमें वस्तु कोई गर्म करनी है, ठीक। अब वस्तु गर्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि कोई एयर, ठीक है, हॉट एयर, हॉट एयर ली हमने, ठीक है, या हॉट गैस ली, गैसेस, इनका हमने इस पर फ्लो कराया, ठीक है, इस पर हमने फ्लो कराया हॉट एयर्स का, ठीक है, ये हॉट एयर्स का फ्लो कराया, तो क्या हुआ कि हमारी जो वस्तु है वो गर्म हो जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं कि जिन मतलब स्थिर पदार्थों को हमें गर्म करना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे कि एक बॉस, ये हमारा कोई रूम हुआ, ठीक है, ये हमने एक हीटिंग रूम बना लिया, क्या बनाया, हीटिंग रूम बनाया। अब हीटिंग रूम के अंदर हम क्या करते हैं, रैक बनाते हैं, ठीक है, रैक बनाई हमने, ठीक, या हुक बनाए, ये हुक बना लिए, या ब्लॉक बनाए हमने, ठीक है, ये खाने बना रख दिए हमने। तो हमने क्या किया, एक हीटिंग रूम के अंदर, ठीक है, मैं आपको ये डिनोट कर देता हूँ, ये हमारा हुआ हीटिंग रूम, ठीक है, ये हमारे क्या है, हुक, ये हमारे क्या है, रैक, ये हमने जो बनाया वो है ब्लॉक, ठीक है। तो एक हीटिंग रूम के अंदर हम क्या करेंगे, एक दहन कक्ष के अंदर हम क्या करेंगे, एक ऊष्मा कक्ष के अंदर हमने ये रैक, हुक, रिक्वायरमेंट के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार हमने, जहाँ हमें हुक की आवश्यकता है हुक बनाया, रैक की आवश्यकता है रैक बनाया, ब्लॉक की आवश्यकता है ब्लॉक बनाया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस जगह पर जो वस्तु हमें गर्म करनी है इस जगह पर हम रख देंगे उनको, यहाँ वस्तु हमने रख दी, ठीक। अब रख दी तो अब इस पर क्या है, हमें हॉट एयर जाएगी हमारी इस पर, ओके, क्या निकलेगी, हॉट एयर इसके अंदर घूमती रहेगी, हॉट एयर घूमती रहेगी तो वस्तु क्या है हमारी, गर्म हो जाएगी, ठीक है। बट हमें क्या है कि जैसे कि वस्तुओं जो कन्वेक्शन टाइप फर्नेस है उसका जो स्पेशली यूज किया जाता है वो क्या किया जाता है, वस्तुओं के नॉर्मलाइजेशन के लिए या पानी चढ़ाने के लिए, मतलब किसके लिए किया जाता है, या तो नॉर्मलाइजेशन करना हो हमें, या किसी वस्तु के ऊपर पानी चढ़ाना हो, ठीक है, पानी जानते हो समझ, कि किसी अन्य धातु का पानी चढ़ाना हो, तो उनको सुखाने, उनको गर्म करने के लिए हम कन्वेक्शन टाइप फर्नेस का यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि हमें हीटिंग एफिशिएंसी अपनी इंक्रीज करनी हो, हमें हमारी ऊष्मा की दक्षता हमें बढ़ानी हो, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा दहन कक्ष है, हीटिंग रूम है जो हमारा, उसको हम यू साइज में बना देंगे। भाई किसी चीज़ को अगर यू साइज में हम बनाएं, अगर किसी चीज़ को देखो, एक ही चीज़ ये है और इसी चीज़ को हमने ये इस टाइप से बनाया, ठीक है, अगर कोई वस्तु हम यहाँ से और यहाँ तक ये आसानी से पहुँच जाएगी, लेकिन अगर कोई वस्तु हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचाएँ तो उस चीज़ को हमें टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, तो हमारी क्या है, हमारी जो हीटिंग एफिशिएंसी है वो और ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। तो इसलिए हम उसको क्या है, हीटिंग एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए हम अपने रास्ते को यू साइज का बना देते हैं। और जो कन्वेक्शन टाइप फर्नेस है,
जो कन्वेक्शन टाइप फर्नेस है, कन्वेक्शन टाइप फर्नेस को ही हम दूसरे नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मफल फर्नेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम कन्वेक्शन टाइप फर्नेस को मफल फर्नेस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हम मफल फर्नेस भी कह सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा क्या हुआ, हमारा कन्वेक्शन टाइप फर्नेस हो गया, ओपन चैम्बर टाइप फर्नेस हो गया, लास्ट हमारा बचा है इमल टाइप फर्नेस। तो उसकी हम बात करते हैं, देखो बात करते हैं इमर्ज्ड एलिमेंट टाइप फर्नेस की। तो इसके अंदर क्या होता है कि इमर्ज एलिमेंट टाइप जो फर्नेस होता है, इस मेथड के अंदर क्या है, जो हमें वस्तु गर्म करनी होती है वो या तो हम रेडिएशन माध्यम के द्वारा करते हैं या कन्वेक्शन माध्यम के द्वारा हीट को पहुंचाते हैं वस्तु तक। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है मैं आपको बताऊँ, एक नलका तो होती है हमारी किसकी, द्रव की। ठीक है, एक नलका होती है हमारी द्रव की और एक नलका हमारी होती है जिस वस्तु को हम गर्म करना होता है उस वस्तु को हम दूसरी नलका के अंदर रख देते हैं। अब दोनों नलकाओं के क्या होता है कि दोनों नलकाओं के बीच के बीच में क्या होता है, इंसुलेटर पदार्थ भरा होता है। यहाँ पे क्या है, इंसुलेटर पदार्थ भरा होता है। ठीक है, इस जगह पे इंसुलेटर पदार्थ भरा होता है। तो जब हमारी क्या है, ऊष्मा रेडिएशन कन्वेक्शन विधि जब इंसुलेटर पदार्थ में पहुँचती है तो हमारी हीट बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती है, जिससे हमारा क्या है, रेडिएशन या कन्वेक्शन माध्यम से हमारी हीट इस चीज़ को, मतलब इस चीज़ को गर्म कर देती है। भाई जब द्रव गर्म होगा तो क्या होगा, हमारा रेडिएशन या कन्वेक्शन द्वारा हमें हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इस तरीके से जो इमर्ज एलिमेंट टाइप फर्नेस है वो यही है कि इसमें क्या होती है, नलकाएँ होती हैं, दो नलकाओं के बीच में इंसुलेटर पदार्थ का जो चूर्ण भरा हुआ होता है, तो जो ऊष्मा प्रसारित की जाती है, जो ऊष्मा ट्रांसफर की जाती है, तो वो हमारी इस चीज़ को गर्म कर देती है। तो इस टाइप से हमने क्या है, रेजिस्टेंस हीटिंग का फुल पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस हीटिंग की डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग पढ़ चुके हैं। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक अच्छे हीटिंग एलिमेंट के क्या गुण होने चाहिए, एक उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है, वो किस किस चीज़ से भरा होता है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।